वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है टेक्सान अग्रवाल। तो शुरू करते हैं आज की भी बिजनेस न्यूज। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिजनेस न्यूज आज की फटाफट से। पहले सबसे पहले बेंचमार्क्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों कल जो सेंसेक्स दोस्तों काफी रिकवरी की बात उठाए, 250 पॉइंट दोस्तों कल रिकवरी हुई है सेंसेक्स की, 59,031 पे कल बंद हुआ है। निफ्टी की बात करें तो 86 दोस्तों कल निफ्टी बढ़ाया, 17,570 पर कल जो है निफ्टी बंद हुआ है। अगर गोल्ड की प्राइस की बात करें दोस्तों कल जो गोल्ड है 45 से 50 रुपये बढ़ाई लगभग दोस्तों, और 51,000 के आसपास जो है गोल्ड की रेट अभी चल रही है। डॉलर की बात करें तो 79.87 के आसपास जो है डॉलर की रेट चल रही है। तो दोस्तों पहले बिजनेस न्यूज निकल के आती है ड्रीम फोक्स सर्विस की तरफ से। दोस्तों आज उनका आईपीओ जो ओपन हुआ है 24 से 26 अगस्त तक आईपीओ चलने वाला है। दोस्तों इसकी जो प्राइस बैंड रखी गई कंपनी तरफ से वो दोस्तों 308 से 326 रुपये। कंपनी दोस्तों इस आईपीओ से 526 करोड़ रुपये दोस्तों रेज करने वाली है, और 1.72 करोड़ इक्विटी शेयर जो अपने दोस्तों बेच रही है मार्केट के अंदर। क्या दोस्तों आपने इस आईपीओ में दोस्तों अप्लाई किया या करने वाले हो तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों इस साल जो है 32,881 करोड़ के आईपीओ आने वाले थे, 27 बिजनेसेस जो है कम से कम अपने जो है आईपीओ को लेके आने वाले थे, लेकिन दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि दोस्तों ये 27 आईपीओ जो है फेल होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों सेबी ने कह दिया है कि अगर कोई भी कंपनी दोस्तों 12 महीने के अंदर अपना आईपीओ नहीं लेके आती है, जब भी उन्होंने डीआरएसपी फाइल किया है, तो उनका दोस्तों जो डीआरएसपी है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, उनको जो है नया डीआरएसपी फाइल करना पड़ेगा सेबी की क्लियरेंस के बाद। दोस्तों ऐसी कंपनी फार्मेन जिसको आप जानते होंगे, दोस्तों उन्होंने भी 9 नवंबर 2021 को जो अपना डीआरएसपी फाइल किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है अपना आईपीओ नहीं लेके आए हैं। ओयो मोबीक्विक जैसे बड़े बड़े जो बजाज एनर्जी जैसे बड़े बड़े जो है दोस्तों आपको आईपीओ दोस्तों पोस्टपोन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अभी जो है अपना आईपीओ लाने के मूड में नहीं है। दोस्तों जो है फार्मेसी ने भी जो है अपना आईपीओ को कर दिया है विड्रॉ, उन्होंने भी जो सेबी की जो उन्होंने डीआरएसपी फाइल की थी उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, और उन्होंने भी कहा है कि हम अपने जो है राइट्स इशू की तरफ अपने जो पैसा रेज करेंगे, अभी हम अपना आईपीओ नहीं लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों अगली खबर बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। दोस्तों कल जो है पिछले दो महीने में सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है गिरा है बिटकॉइन, 9.2% एक दिन के अंदर गिरा है। दोस्तों लार्जेस्ट इंटरडे डिक्लाइन है 18 जून के बाद, ये लगभग 21,000 डॉलर पे दोस्तों जो है बिटकॉइन आ चुका है। कार्डानो, सोलाना, ईथर जैसे बड़े बड़े कॉइन दोस्तों जो है 10% से गिरी हैं। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ही बुरी हालत में चल रहा है। आपने अभी तक जो है कौन कौन से क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स को जो है परचेज कर रखा है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है वेकफिट कंपनी तरफ से। उन्होंने भी अनाउंस किया कि वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने वाले हैं होशोर तमिलनाडु के अंदर। दोस्तों इसका जो इस एरिया रहने वाला है वो 6 लाख स्क्वायर फीट का रहने वाला है, जिसमें 3.5 लाख स्क्वायर फीट दोस्तों जो ये फर्नीचर रखने वाले और 2.5 लाख स्क्वायर फीट दोस्तों जो स्टोरेज और दोस्तों फर्निशिंग के लिए रखने वाले हैं। इस लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से दोस्तों कंपनी जो है 5,000 बेड डेली बनाएगी, 2,000 सोफा और 3,000 डाइनिंग टेबल डेली बनाएगी। इससे दोस्तों जो काफ़ी प्रोडक्ट की जो प्राइस है दोस्तों काफ़ी सस्ती हो जाएगी। कि आपने कभी दोस्तों वेकफिट से कुछ मंगाया या फर्नीचर आपने परचेस किया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है बर्गर सिंह की तरफ से। दोस्तों उन्होंने अभी जो है सीरीज ए राउंड में नेगन कैपिटल से 30 करोड़ रुपए रेज किए हैं। अब इस कैपिटल को दोस्तों जो है वो 43 स्टोर जो इस साल खोलने वाले हैं, 34 दोस्तों वेस्ट बंगाल में वो अपने जो स्टोर्स को खोलने वाले हैं, 6 आसाम में और एक एक दोस्तों को खोलने वाले हैं अपने मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में। दोस्तों कभी आपने बर्गर सिंह के बर्गर ट्राई किया तो जरूर बताइए। उनके जो फाउंडर दोस्तों उनका भी जो इंटरव्यू मैंने काफी बार देखा है, तो काफ़ी दोस्तों अच्छी तरह से अपने जो बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आपने कभी बर्गर खाया बर्गर सिंह का तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है एविएशन इंडस्ट्री की तरफ से। उन्होंने अभी कहा है कि आने वाले 5 से 7 साल के अंदर इंडिया दोस्तों 400 मिलियन दोस्तों पैसेंजर्स हो जाएंगे जो बाय एयर ट्रैवल करेंगे। अगर प्री कोविड की बात करें तो जिसमें लोकल और फॉरेन ट्रैवल्स को मिला के 200 मिलियन लोग दोस्तों पैसेंजर्स के तौर पर जो है ट्रैवल करते हैं एयर से, यानी किसी न किसी फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं। लेकिन दोस्तों आने वाले 5 से 7 साल के अंदर 400 मिलियन लोग होने वाले हैं। और दोस्तों अब रिसेंटली अकाशा एयरलाइन दोस्तों लॉन्च हुई है, राकेश झुनझुनवाला सर ने जो लॉन्च करी थी। दोस्तों देखते हैं कब तक जो है ये एयरलाइन का जो बिजनेस सक्सेसफुल हो पाता है। इंडिगो को छोड़ के दोस्तों जो है और कोई भी स्पाइस जेट, एयर इंडिया दोस्तों कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि दोस्तों प्रॉफिट में हो, तो कैसे दोस्तों ये अपने आप सस्टेन कर पाते हैं देखने वाली बात रहेगी आने वाले सालों के अंदर। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है डिज्नी पर हॉटस्टार की तरफ से। दोस्तों उनके जो नए एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों अपॉइंट कर दिए गए हैं, जो कि दोस्तों हैं सजित शिवनंदन। दोस्तों ये अपना जो है रोल को अक्टूबर से लेने वाले हैं। ये दोस्तों गूगल से आए हैं, तो इनके पास दोस्तों काफ़ी अच्छा नॉलेज और एक्सपीरियंस है अक्रॉस इंटरनेशनल मार्केट्स का। अभी दोस्तों पिछले 4 साल में जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हुई है, क्योंकि उनके पास जो आईपीएल की राइट्स है, लेकिन अब की बार जो राइट है दोस्तों लगभग 25,000 करोड़ रुपये में दोस्तों जो है वाई कॉमिटी ने खरीद लिए हैं। तो दोस्तों आने वाले सालों में देखने वाले बात रहेगी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार दोस्तों किस तरह से अपने सस्टेन कर पाता है, क्योंकि आईपीएल से दोस्तों इनकी जो सबसे ज़्यादा मेंबरशिप आती है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों यह है कि कल हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी सर ने दोस्तों ये अनाउंस किया है कि वो इंडिया में 4 रोड प्रोजेक्ट्स को दोस्तों जो है कैपिटल मार्केट्स के द्वारा जो है फंड करने वाले हैं। अभी तक दोस्तों जो गवर्नमेंट है वो लोन लेके सारे के सारे रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती थी, लेकिन दोस्तों अब गवर्नमेंट जो कैपिटल मार्केट की तरफ अपना जो है रुखाव रख रही है दोस्तों, और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के द्वारा जो ये सारे फंड्स रेज किए जाएंगे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। दोस्तों इसमें जो एक मार्केट जो है एक मैक्सिमम कैपिटल लगाई गई है 10 लाख रुपये की, यानी कि 10 लाख रुपये तक जो है रिटेल इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये आते हैं दोस्तों सारे रोड प्रोजेक्ट, तो क्या आप दोस्तों इन्वेस्ट करना पसंद करोगे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
दोस्तों अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आती है अडानी एंटरप्राइजेस की तरफ से। उन्होंने दोस्तों कल जो है मंगलवार को कहा है कि वो NDTV में 29.18% स्टेक खरीदने वाले हैं। उन्होंने दोस्तों एक ओपन ऑफर भी निकाला NDTV के लिए, 26% स्टेक के लिए 493 करोड़ रुपये वो देने के लिए तैयार हैं एट द रेट ऑफ 294 रुपीज़ पर शेयर। कल दोस्तों उनकी मंगलवार को शेयर जो है 5% से ज़्यादा बढ़े हैं, 376 पर कल उनका शेयर जो है बंद हुआ है। दोस्तों अगर उनकी रेवेन्यू की बात करें पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर 2022 के तो वो था दोस्तों 421 करोड़ का, और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 85 करोड़ का था। अडानी दोस्तों अपने बिजनेस को काफ़ी तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं दोस्तों, पावर से लेकर लॉजिस्टिक्स से लेकर सब कुछ दोस्तों जो अडानी अभी हर बिजनेस में घुस रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों अडानी किस तरह से बिजनेस को सस्टेन कर पाते हैं दोस्तों, किस तरह से अपना बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा पाते हैं, तो काफ़ी देखने वाली बात रहेगी फ्यूचर के अंदर। लेकिन दोस्तों अभी जो है NDTV को ओपन ऑफर जो है अडानी ने दे दिया है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो है ये बिजनेस न्यूज आज की पसंद आई होगी। तो ऐसे ही बिजनेस और फाइनेंस की न्यूज़ के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब तो करते जाओ चैनल को।